दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो गए कुछ रिक्रूटमेंट लेके। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसीज है, और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग, डिजिटल, आईटी, आरएनडी, एचआर, मेडिकल, लीगल, ये सब, पब्लिक रिलेशंस, पेट कैम, ये सब में वैकेंसीज हैं। मतलब बहुत सारी वो पोजीशन है। अब इसके बारे में हम विस्तार से तो बात करेंगे। इस फॉर्म को आप 1 नवंबर 2023 से भर सकते हो, तो ये लिंक भी दिया गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको अच्छे से इसके बारे में विस्तार से बात करूँ, तो उससे आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये नोटिफिकेशन हमने पाया है ऑफिशियली तरीके से, मैं आपको पहले ही बता दूं। और यहाँ पे आप देखोगे तो वही चीज़ें आ दिखी, पेट्रोकेमिकल्स, आरएनडी, लीगल, पब्लिक रिलेशंस, मेडिकल्स, डिजिटल, आईटी, इंजीनियरिंग, एचआर, ये सब में जो है वैकेंसीज हैं। इस एप्लीकेशन को आप 1 नवंबर से 26 नवंबर 2023 तक भर सकते हो। यहाँ बताया गया कि प्रोफाइल कैसे, उसके कौन कौन सी हैं, मैनेजर, इंजीनियर, ये सारी चीज़ें बताई गई, मैकेनिकल, सिविल, ये सारी आ गई। आरएनडी के अंदर कौन कौन सी हैं तो वो बता दिया गया है, आरएनडी, ये सब, लीगल, एचआर, मेडिकल ऑफिसर, डिजिटल एंड आईटी सिस्टम्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से भर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, केमिकल, हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट, मचा एचएससी। एचआर वाले के अंदर कौन कौन से, ये सारी चीज़ें आपको पहले से यहाँ पे अच्छे से बता दी गई हैं। बाकी का यहाँ पे अलग अलग, जैसे कि पेट्रोकेमिकल की बात करें तो प्रोजेक्ट लीडर प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या मांगा गया, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, पॉल्यूम पेट्रोकेमिकल, पॉल्यूमर्स इंजीनियरिंग, 4 ईयर कोर्स। जैसे आप एक बार फेल हो गए तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, और 70% के साथ होना चाहिए। ठीक है, एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी कैटेगरी के लिए छूट है, 60% वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का रिलेटिव आपका पूरी चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि भैया इसके लिए क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ एज और एक्सपीरियंस बताएगा, जो 1/10/2023 के हिसाब से काउंट होगा। मिनिमम एज 25 ईयर, जो बस सॉरी, मिनिमम 25 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन एंड प्रोसेस प्रोजेक्ट इन लार्ज रिफाइनरी और मेजर यूनिट्स विद इन ए पेट्रो और पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर दोस्तों मिनिमम 12 ईयर का एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिलेटिव, तो यहाँ बता दिया गया आपको ये सारी चीज़ें। स्किल आपको बता दी गई है। एज, तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया गया 50, और यहाँ पे जो 1/10/2022 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। और ये जो है मैक्सिमम एज, ये सारी चीज़ें कितनी छूट मिली है, वो सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज भी बता दी गई हैं। फाइनली नेक्स्ट बात कर रहे हैं पेट्रोकेमिकल प्रोसेस मैनेजर, तो यहाँ पे भी बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग 60-70 वही क्राइटेरिया है, और यहाँ पे आपको क्या एक्सपीरियंस जो होना चाहिए बता दिया गया है। और यहाँ पे आपका जो है एक्सपीरियंस 14 ईयर, जो 7 ईयर प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट पेट्रोकेमिकल रिलेटेड होना चाहिए, ये चीज़ है जो 1/10/2023 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। स्किल आपको बता दी गई है, एज 46। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पेट्रोकेमिकल प्रोसेस इंजीनियर, तो यहाँ पे बीटेक इन केमिकल पेट्रोकेमिकल पॉलीमर इंजीनियरिंग कोर्स 60-70 वही क्राइटेरिया। और आपको यहाँ बताया गया क्या क्या नॉलेजेज होनी चाहिए आपके पास, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दोस्तों बता दी गई हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका जो एक्सपीरियंस 1/10/2022 के हिसाब से काउंट किया जाएगा, 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ, 4 ईयर का एक्सपीरियंस ऑपरेशन टेक्नोलॉजी रिलेटिव टू पेट्रोकेमिकल पॉलीमर यूनिट्स। स्किल बता दी गई, और यहाँ पे बात कर रहे हैं एज की, 34 ईयर एज लिमिट बता दी गई, जो 1/10/2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी। नेक्स्ट बात करें पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट मैनेजर मैकेनिकल, तो यहाँ वो चीज़ बता दी कि ये 60-70% सेम ही है, बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल से होना चाहिए लेकिन। और यहाँ पर आपका स्किल्स बता दी गई हैं, एक्सपीरियंस फॉर, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 14 ईयर चाहिए, 1/10/2022 के हिसाब से काउंट किया जाएगा।
एज की बात करें तो 42 ईयर एज चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट मैनेजर मैकेनिकल, तो यहाँ पर भी बता दिया गया है कि बीबीटेक मैकेनिकल 70% और 60% वही क्राइटेरिया दिया गया जो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया गया है कि भैया 60% एस सी एस टी कैटेगरी के लिए भैया है, 7 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। और एज क्राइटेरिया बात करें 34 ईयर। और नेक्स्ट बात करें पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल, तो बीबीटेक सिविल 70% और 60% एस सी पी डब्ल्यू कैटेगरी के लिए 60% चलेगा फंड, वही चीज़ है यहाँ पर भी। और एक्सपीरियंस रिलेटिव 14 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया 42। और नेक्स्ट बात करें तो पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल, तो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग 60-70% वही क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस आपको बता दिया गया है और 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए आपको बता दी गई है एज 34। और यहाँ पे R&D के लिए बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि डिजिटल इनोवेशन और PhD चाहिए केमिकल डेटा साइंस 65%, 50% SSC PW कैटेगरी के लिए चाहिए, मतलब छूट दी गई 5% की। और एक्सपीरियंस 1/10/2022 के हिसाब से काउंट होगा, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नोट में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं उन्हें आपको कंसीडर करना है। एज लिमिट 35 ईयर। और नेक्स्ट बात करें कि भैया R&D में प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पर बताए PhD इन केमिकल इंजीनियरिंग 65-55% वही क्राइटेरिया। चैलेंजेस बता दिए गए स्किल मतलब, और यहाँ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 ईयर। नेक्स्ट आगे चलें दोस्तों, तो यहाँ पे एज बता दिया गया 35। नेक्स्ट इसी में दोस्तों इस तरीके से आप देखो कि PhD के लिए हैं अलग अलग फील्ड में फ्लूइड डायनामिक्स। और मैं और आगे चलूँ तो पेट्रोकेमिकल्स, तो PhD मांगा गया फाइनली यहाँ पे भी। और नेक्स्ट बात करूँ तो पॉलीमर्स, वही चल रहा था फील्ड। अब आया R&D, वही फील्ड अभी भी R&D, तो BBTech इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोरियर कोर्स 60-70% वही क्राइटेरिया, 7 ईयर एक्सपीरियंस, एज 38। नेक्स्ट बात करें R&D में ये सारा दिया गया प्रोजेक्ट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो BBTech इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 60-70 वाला क्राइटेरिया, 60 और 70 मतलब 70 जनरल कैटेगरी बाई कैटेगरी के लिए 60%। यहाँ पर दोस्तों 7 ईयर एक्सपीरियंस, एज लिमिट 38 बताया गया। R&D ही चल रहा है अभी भी, तो इस तरीके से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और बहुत लेंदी हो रहा है ये एप्लीकेशन एक्चुअली, ये नोटिफिकेशन, तो हम आगे चलते हैं। इस नोटिफिकेशन को आप कैसे पढ़ सकते हो, लीगल में भी ऐसे ही दिया गया है, लीगल होना चाहिए, लीगल से रिलेटेड सारा क्वालिफिकेशन वो सारे के सारे बताए गए यहाँ पर। फिर PR ये सब बताया गया है। फिर आप देखो मेडिकल ऑफिसर से बताया गया है, मेडिकल में क्या चाहिए, MBBS MD ये सब बताया गया है आपको। जनरल वही मेडिकल का किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, और आप इधर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पर, तो आप इजीली अप्लाई कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा फास्टली चल रहा हूँ। सेंटर्स देखोगे आप तो बहुत सारी पोजीशन, मैं एक एक को बताने जाऊँगा तो मुझे लग रहा है नोटिफिकेशन 1 घंटे का बन जाएगा, मैं आपको बता दूँ। तो ये पेजेस आप देख रहे हो 76 पेजेस हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ इंजीनियरिंग के लिए भी बताया गया, देखो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी है, मैं अभी इतना ही बताऊँगा केवल। एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया गया देखो 10 ईयर। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको इंजीनियरिंग मैकेनिकल रोटरी मेंटेनेंस इस तरीके से यहाँ पे आपको इंजीनियर मैकेनिकल स्टैटिक मेंटेनेंस आप देख रहे हो ना, केमिकल टेक्नोलॉजी ये भी बता दिया गया केमिकल से रिलेटिव, और हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फंक्शनल एक्सपर्ट, तो ये आपको सारे देख लेने। HR से रिलेटिव वैकेंसीज, ठीक है, तो इजीली आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भैया अप्लाई कर सकते हो। भारत पेट्रोलियम कैरियर ऑप्शन में जाओगे तो आप अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको लेके भी जाऊँगा
जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, 500 रुपये जैसा रहेगा, प्लस GST रहेगा। ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी गई यहाँ पे, जैसे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते जाओ। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी गई हैं, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। प्रोविज़न पीरियड आपको बता दिया गया है, और हमें वेबसाइट पे कैसे पहुँचना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें आपको पहुँचना चाहिए। इधर इंडियन होनी चाहिए, क्राइटेरिया दिए गए जनरल, जिन्हें आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो दोस्तों आपको सीधा BPCL रिक्रूटमेंट डालना है। डालने के बाद ऊपर ही आपको दिखेगा, उसे प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करोगे स्क्रॉल डाउन करना है, और नीचे आप देखोगे ना ये वाला वैकेंसी है, आपको सेकंड नंबर पर जाना है। सेकंड नंबर पर आप जाओगे तो ये हमारी वैकेंसीज ही हैं। आप यहाँ से देखो, यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और इसे आराम से पढ़ सकते हो, जैसे मैं पढ़ रहा था अभी। और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आप डेट देखने को मिल जाएगा, देखो इधर, देखो ये 26 नवंबर 2023 वही नोटिफिकेशन है। तो आप इधर अप्लाई कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ।